द वर्ड माइंडफुलनेस आप सब ने बहुत सुना होगा बट एक्चुअली क्या होता है शायद यू आर नॉट टू श्योर सो आज हम उसके बारे में बात करेंगे और वीडियो के एंड में मैं आपको एक माइंडफुलनेस एक्सरसाइज भी बताऊंगी जो आप ऑन अ रेगुलर बेसिस कर सकते हैं माइंडफुलनेस एक ऐसा स्किल होता है जिस जो आपको अवेयर अपने बारे में अवेयर करवाता है चाहे वो आपकी बॉडी हो या फिर थॉट्स हो या फिर फीलिंग्स हो इट ऑल्सो टीचेज यू टू बी इन द प्रेजेंट मोमेंट एंड बी नॉन जजमेंटल अक्सर कई बार हमारी लाइफ में एक ऐसा टाइम आता है जब हम बहुत ज़्यादा इमर्स्ड हो जाते हैं जैसे कि वॉचिंग अ सनसेट और मे बी गार्डन में आपने एक डॉग को खेलते हुए देखा सो यू आर कम्प्लीटली इन टू और आपको उसके अलावा पता ही नहीं कि और क्या हो रहा है um, दीज आर वेरी फ्यू टाइम्स जब इस तरह होता है बट रियल लाइफ में हम ज़्यादातर डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं और वो डिस्ट्रैक्शन या तो हमारे पास्ट को लेकर होता है या फिर फ्यूचर में क्या नहीं होगा या क्या होगा उसके बारे में आप में से कितने लोग खाना खाने के वक्त सोचते हैं कि कल ऑफिस में क्या होगा या फिर मेरा ये काम पेंडिंग है ये मैं कब करूँगा इस वजह से आप वो मोमेंट एन्जॉय नहीं कर पाते क्योंकि आपका ध्यान तो कहीं और है सो so, माइंडफुलनेस आपको मोमेंट एन्जॉय करना सिखाता है टू बी इन द प्रेजेंट, एंड आपके जितने भी एक्सपीरियंसेस हैं उसे एक्सेप्ट करना सिखाता है बाय बीइंग नॉन जजमेंटल इवन इफ दो एक्सपीरियंसेस आर क्वाइट पेनफुल टू यू माइंडफुलनेस से काफ़ी लोगों को फ़ायदा हुआ है कुछ लोग अपनी लाइफ को बेहतर एन्जॉय कर पा रहे हैं कुछ कहते हैं कि उनका अटेंशन फोकस बेहतर हो गया है और वो काम में ज़्यादा अच्छा कर पा रहे हैं इनफैक्ट कई सारे माइंडफुलनेस रिसर्च भी हुए हैं और देखा गया है कि माइंडफुलनेस हेल्प्स इन हैंडलिंग डिप्रेशन एंगजाइटी और इवन सब्सटेंस यूज जिसे हम नशा भी कहते हैं सो so, आज एक मैं माइंडफुलनेस एक्सरसाइज बताने वाली हूँ जिसे आप अपने रेगुलर प्रैक्टिस में इंक्लूड कर सकते हैं और आपको सिर्फ दस मिनट लगेगा उसके लिए सो लेट्स बिगिन ये मेडिटेशन स्टार्ट करने के लिए एक वक्त और जगह डेडिकेटेडली उसके लिए रखिए जहाँ आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा एक कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाइए आपका बैक जो है वो स्ट्रेट होना चाहिए एंड आपकी जो फीट है वो फ्लोर में होनी चाहिए धीरे से अपनी आँखें बंद कीजिए अपना ध्यान अपनी सांस पे लाइए अपनी ब्रीदिंग मूवमेंट पे ध्यान दीजिए किस तरह सांस आपकी अंदर जा रही है और किस तरह वो बाहर आ रही है आपको उसे बदलने की कोशिश नहीं करनी है सिर्फ उस पर ध्यान देना है अब जैसे ही आप इसके साथ कंफर्टेबल हो जाते हैं उसे ऑब्जर्व कीजिए कि किस तरह वो आपकी पेट की तरफ जा रहा है जब आप सांस अंदर लेते हैं तो आपका पेट बाहर आता है और जैसे ही आप उसे छोड़ते हैं तो आपका पेट अंदर जाता है उस मोमेंट पे कम्प्लीटली फोकस कीजिए उसे बदलने की कोशिश मत कीजिए सिर्फ अपने ब्रेथ पे फोकस कीजिए ध्यान दीजिए कि आप कितना वक्त लगा रहे हैं सांस को अंदर लेने में और बाहर छोड़ने में कभी ना कभी आपका ध्यान कहीं और जाएगा इंस्टेड ऑफ़ योर ब्रेथ आपका ध्यान आपके थॉट्स में हो सकता है डे ड्रीम्स में कोई चिंता फ्यूचर के बारे में या जो भी है इट्स परफेक्टली ओके हमारी माइंड ऐसा करती है हमारे साथ सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी इस तरह की चीज़ें हो, आपको अपना ध्यान वापस से प्रेजेंट पे लाना है और अपने ब्रीदिंग को नोटिस करना है आपका ब्रेथ एक एंकर पॉइंट है मेडिटेशन का जब भी आपका ध्यान कहीं और जाता है आप अपने ब्रीथ पे फोकस करके उसे वापस ला सकते हैं बैक टू द प्रेजेंट जैसे ही आप अपने ब्रेथ के साथ कंफर्टेबल हो जाते हैं अब अपना ध्यान अपनी बॉडी पे लाइए ध्यान दीजिए कि किस तरह आपकी सांस आपके सर से लेके पाँव तक जा रही है तो अभी आपका ध्यान सिर्फ आपके ब्रेथ पे ही नहीं है बट आपकी पूरी बॉडी पे है आपको रिएक्ट नहीं करना है जस्ट कम्प्लीटली प्रेजेंट मोमेंट पे रहना है अगर आपको कोई दर्द या डिस्कम्फर्ट महसूस हो रहा है तो जस्ट माइंडफुली शिफ्ट इन टू अ कम्फर्टेबल पोजिशन या फिर सिंपली बी अवेयर ऑफ द सेंसेशंस और आप नोटिस करेंगे कि वो धीरे धीरे कम होता जाएगा जब भी आप नोटिस करेंगे कि आपका ध्यान कहीं और जा रहा है चाहे वो फ्यूचर में हो या फिर किसी और थॉट्स में हो उसे वापस लाने की कोशिश कीजिए बाय फोकसिंग ऑन योर ब्रीदिंग एंड द सेंसेशंस इन योर बॉडी एज यू हियर। आपको कहीं जाना नहीं है कुछ करना नहीं है बस यहीं बैठ के आप अपने फोकस को वापस ला सकते हैं टू योर बॉडी अब जैसे ही आप अपने ब्रीथ और बॉडी के साथ कंफर्टेबल हो जाते हैं अब अपना ध्यान थोड़ा और बढ़ाइए और आसपास हो रहे आवाज़ों को सुनने की कोशिश कीजिए आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है उन आवाज़ों को जस्ट यहाँ बैठ के जो भी आवाज़ें आपके कानों तक आ रही है उसे ध्यान दीजिए आपको जज नहीं करना है कि ये आवाज़ें अच्छी है या नहीं सिर्फ उसे सुनना है अगर आपका ध्यान कहीं और जाता है तो उसे वापस से अपने कानों तक लाइए एंड अपने कानों पे आ रहे साउंड्स को फोकस कीजिए अब अपना ध्यान थोड़ा और बढ़ाइए और अभी अपने थॉट्स यानी कि सोच पे फोकस कीजिए जो भी मन में थॉट्स आ रहा है उस पे ध्यान दीजिए आपको उन्हें सिर्फ ऑब्जर्व करना है बुरा भला नहीं सोचना है इट्स जस्ट अ मेंटल इवेंट जैसे साउंड एक इवेंट होता है थॉट भी एक इवेंट है ये थॉट्स किसी भी चीज़ के बारे में हो सकते हैं आपके फ्यूचर के बारे में आपकी बॉडी के बारे में या फिर फीलिंग्स के बारे में या फिर टाइम के बारे में जो भी है उन्हें सिर्फ ऑब्जर्व कीजिए एज दे कम एंड गो आपको सिर्फ अवेयर होना है इन थॉट्स के बारे में एज यू सिट अगर आपका ध्यान कहीं और जाता है जस्ट ब्रिंग योर फोकस बैक टू द प्रेजेंट यूज योर ब्रेथ एज द एंकर चाहे वो डर हो या चिंता हो या प्रेशर हो बस उन थॉट्स को ऑब्जर्व कीजिए आपको उन्हें फॉलो भी नहीं करना है रिजेक्ट भी नहीं करना है सिर्फ इस प्रेजेंट मोमेंट में रहना है तो हमने शुरुआत की थी ब्रीदिंग के साथ उसके बाद हमने अपने ध्यान को बढ़ाने की कोशिश की अपने बॉडी पे फोकस किया उसके बाद साउंड्स पे और उसके बाद थॉट्स पे अब सिर्फ एक चीज़ पे फोकस कीजिए चाहे वो थॉट्स हो या फिर साउंड्स हो या फिर सेंसेशंस हो आपकी बॉडी में या फिर ब्रेथ। जस्ट ऑब्जर्व देम एंड बी अवेयर ऑफ दैट अब धीरे धीरे अपनी आँखें खोलिए और ख़ुद को अप्रिशिएट कीजिए कि आपने खुद के लिए वक्त निकाला और अपना ध्यान दिया